Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में घुस आए आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना लगातार मोर्चा संभाल रही है। जंगलों में घुसकर आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को लगा कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देंगे तो देश की जनता डर जाएगी, जम्मू के लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत स्थितियां बनती हुई नजर आई और तस्वीरों में देखा गया कि किस तरीके से आतंकियों के खिलाफ जमकर ऑपरेशन चलाया गया। और अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिस समय जम्मू में आतंकी छिप कर बैठे हैं, ठीक उसी समय जम्मू के बीचों बीच भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। आतंकियों को ये देश की जनता का खुला मैसेज है, आतंकवादी जितना चाहे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर ले, उनका अंजाम क्या होगा ये देश की जनता का हौसला बता रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। 15 अगस्त की तारीख नजदीक है और हर जगह तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहा है। आतंकी छिप कर बैठे हैं और श्रीनगर से जम्मू के बोटानिकल गार्डन तक बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक बड़ा और साफ मैसेज दिया, उन इलाकों का नाम लेकर जिन इलाकों में इस समय आतंकी मौजूद हैं। जम्मू के जिन इलाकों में आतंकी मौजूद हैं, वहां पर भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा, इसका ऐलान मनोज सिन्हा ने कर दिया। साबा से लेकर सुपनिया तक, तभी से लेकर चिनाब की लहरों तक एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है। एक ही संकल्प लिया जा रहा है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए ही जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। कठुआ से कुलगाम, सांभा और चिनाब, हर जगह तिरंगा का लहराना और इसकी गरिमा का मान रखना बता रहा है कि भारतीय सेना के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि कठुआ से कुलगाम, सांभा और चिनाब तक लहराता तिरंगा बताने के लिए काफी है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरा देश लड़ेगा और अपने जीवन की आहुति भी दे देगा। बता दे, 15 अगस्त को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस रैली से जुड़कर कई लोग आतंकवादियों को अपनी तरफ से साफ मैसेज दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।